गाइस आज हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं और ये आपका लोकेटेड है जोका मेट्रो से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चलिए प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। सो गाइस ये आमंत्रण का प्रोजेक्ट होने वाला है और इसके अंदर बंगलो प्रोजेक्ट होने वाला है आपका सारा। चलिए अंदर आपको प्रोजेक्ट दिखाते हैं। ये होने वाला है आपका 4 BHK बंगलो। इसी के साथ इधर मिल जाता है हम लोगों को कवर्ड पार्किंग जो कि रहने वाला है इस साइड में, और इधर से आप जैसे ही चलते हैं इधर इस साइड में आपको मिल जाता है गार्डन एरिया जो कि आपका प्राइवेट गार्डन एरिया होने वाला है। तो चलिए बंगलो के अंदर चलते हैं। इधर हम लोग बंगलो से अंदर एंट्री ले चुके हैं और ये होने वाला है आपका लिविंग कम डाइनिंग स्पेस। उसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग पहला बेडरूम की तरफ। ये आपका रहने वाला है पहला बेडरूम जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस है, स्पेस में काफ़ी बड़ा है। उसी के साथ मिल जाता है आपको एक बड़ा सा विंडो जिसको खोल के आप एक्सेस ले सकते हैं आपका प्राइवेट गार्डन का जो कि होने वाला है आपके रूम से अटैच। खुलते ही प्राइवेट गार्डन का मज़ा आप ले सकते हैं। तो आ जाइए, इसी के साथ चलते हैं हम लोग कॉमन वॉशरूम की तरफ जो कि रहने वाला है रूम के ठीक ऑपोजिट। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम से ठीक निकल के इधर आपको स्टोरेज एरिया मिल जाता है स्टेयर केस के नीचे। स्टोरेज एरिया आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया मिल जाता है। इसी के साथ गार्डन एरिया का एक्सेस करने के लिए और एक विंडो दिया गया है जो कि आपका डाइनिंग स्पेस के साथ अटैच है। इधर से भी आप गार्डन एरिया का एक्सेस ले सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं किचन की तरफ। किचन आपका काफ़ी बड़ा होने वाला है और इस किचन का एक खास बात है कि आप इधर से अपना गार्डन एरिया का एक्सेस ले सकते हैं। ये फ़िलहाल तो ये लॉक्ड है बट किचन आपका काफ़ी बड़ा है, आप देख पा ही रहे होंगे इसका स्पेस काफ़ी अच्छा है। सो इसी के साथ चलते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में चढ़ते इधर आपको मिल जाएगा लिविंग स्पेस। उसी के साथ लेफ्ट साइड में मिल जाएगा एक मास्टर बेडरूम और राइट साइड में भी मिल जाएगा एक आपको मास्टर बेडरूम। तो लेफ्ट साइड के मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये रहने वाला है आपका अटैच बाथरूम और इसके साथ अटैच होने वाला है एक बालकनी। जैसे कि बालकनी में आप देख सकते हैं इस तरह का रेलिंग का काम होने वाला है और ग्लास मिलने वाला है आपको ऐसा। उसी के साथ आप रूम का स्पेस देख सकते हैं, काफी बड़ा मास्टर बेडरूम है। इसी के साथ चलते हैं दूसरे मास्टर बेडरूम की तरफ जो कि आपके होने वाला है राइट साइड में। रूम का आप एक बार साइज देखिए, काफी बड़ा साइज है। उसके साथ आपको मिल जाता है एक बड़ा सा विंडो एयर वेंटिलेशन के लिए और इधर आपको मिल जाता है एक यूटिलिटी स्पेस, चेंजिंग रूम, कुछ भी यूज कर सकते हैं इस जगह को। उसी के साथ अटैच वॉशरूम जो कि स्पेस में काफी अच्छा है, बड़ा है। इसी के साथ चलते हैं हम लोग सेकंड फ्लोर की तरफ जो कि होने वाला है आपका टेरेस अटैच मास्टर बेडरूम। इसके साथ हम लोग आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे और ये हम लोग का लास्ट फ्लोर रहने वाला है जो कि आप देख सकते हैं आपको इधर कॉरिडोर स्पेस मिल जा रहा है इधर। उसी के साथ चलते हैं हम लोग का फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम में और जो कि होने वाला है मास्टर बेडरूम। रूम का साइज आप देख ही सकते हैं, सेम साइज़ का रूम होने वाला है और काफ़ी बड़ा है रूम्स और काफ़ी सुंदर सा व्यू आ रहा है जो विंडो दिया गया है इधर आपका। उसी के साथ चलते हैं यूटिलिटी स्पेस की तरफ। इधर आपको मिल जाता है यूटिलिटी स्पेस और उसके साथ अटैच है एक बड़ा सा वॉशरूम जो कि स्पेस में काफ़ी अच्छा है।
इधर आप वार्डरोब बना सकते हैं अपना, जिस तरीके से जिसको यूज करना है वो यूज कर सकता है। रूम से निकलते ही आपका सीधा टेरेस निकल जाता है। इधर से टेरेस का स्पेस काफ़ी अच्छा है वॉकिंग के लिए। अभी इधर काम चल रहा है, स्पेस अच्छा है। और इधर से गाइस मजाक नहीं कर रहा हूँ, व्यू काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी अच्छा व्यू होने वाला है इधर से। तो ये रहने वाला है आपका व्यू और ऑल ओवर बंगलो लोग देख सकते हैं। ये मंत्रण का प्रोजेक्ट होने वाला है। ये रोड आपको ले जाता है बेहाला की तरफ, ये डायमंड हार्बर रोड है। इधर से आपका प्रोजेक्ट का एंट्री है, इधर से एंट्री लेते हैं हम लोग। इसमें आपको 68% ओपन स्पेस मिल जाता है, जो कि आप काफ़ी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्पेस है। इसमें ओपन स्पेस दिख रहा होगा आपको। इसी के साथ चलते हैं हम लोग इस तरफ। आपको मिल जाता है इधर एक कैफेटेरिया, ये एक कैफेटेरिया होने वाला है। उसी के साथ 3 का वाटर बॉडीज मिल जाता है, एक इधर मिल जाता है आपको, एक होने वाला है इस साइड, और एक मिलने वाला है आपको इस तरफ। इसी के साथ फैसिलिटीज़ में आपको मिल जाता है एक बास्केटबॉल ग्राउंड, जो कि टर्फ जैसा होने वाला है, और एक मिलने वाला है फुटबॉल के लिए प्लेइंग स्पेस, जो कि होने वाला है उस साइड आप देख रहे हैं। और ये होने वाला है आपका क्लब हाउस, क्लब हाउस होने वाला है ये, जिधर आपको जिम एंड ऑल फैसिलिटीज मिल जाएंगे। उसी के साथ लॉन्ज एरिया मिल जाएगा आपको ठीक क्लब हाउस के साइड में। और 68% जो ओपन स्पेस मिल रहा है, इसमें आप लोग अपना पार्किंग और बाकी सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको बंगलो पसंद आया तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसमें कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और अपना ड्रीम बंगलो बुक करिए।